क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। और अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। यहाँ पर पुंछ में आतंकियों के साथ में मुठभेड़ लगातार जारी है। आपको बता दें, मुठभेड़ का आज का ये तीसरा दिन है। जानकारी के अनुसार घर में छिपे आतंकी रात भर रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार फायरिंग की जा रही है। बता दें, सोमवार को सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था और इसके साथ ही अभी तक 4 आतंकी मारे जा चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कुछ आतंकवादियों के पुंछ में के मिनी सचिवालय में और दूसरे घरों में छुपे होने की आशंका है। वहीं पुलिस के अनुसार आतंकवादी बकरीद पर घाटी को दहलाने की फिराक में थे, लेकिन इस फिराक को नेस्तनाबूद कर दिया सेना के जवानों ने। और यहाँ पर जो टीम थी और उनकी जो मंशा थी, उस मंशा को पूरा नहीं होने दिया गया। लगातार फायरिंग की जा रही है। रविवार से ये फायरिंग जो थी वो शुरू हुई थी और आज तीसरा दिन है। अभी तक 4 आतंकियों को मार गिराया टीम ने, लेकिन अभी भी लगातार फायरिंग हो रखी है। पहले माना जा रहा था 2 से 3 आतंकी होंगे, लेकिन 4 आतंकियों को मारा जा चुका है, अभी भी फायरिंग जारी है। और ताज़ा अपडेट के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी पवन शर्मा से। पवन, आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी लगातार फायरिंग की जा रही है। अभी भी आज अगर हम बात करें तो ईद का दिन है, सुबह फिर फायरिंग शुरू हुई है। ये फायरिंग रात को 11 बजे तक होती रही थी, लेकिन 4 आतंकियों को मारने के बावजूद ऐसा माना जा रहा है इस बिल्डिंग में और भी 2-3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। पूरे इलाके को घेरा गया है और रात को भी फायरिंग हुई थी और अभी सुबह फायरिंग शुरू हुई है और पूरे इलाके में सेना, पुलिस और CRPF के जवान तैनात किए गए हैं ताकि इमारत से अगर आतंकी भागने का कोशिश करते हैं तो उनको वहीं पर मार गिराया जाए। बिल्कुल पवन, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आज ईद के इस पाक मौके पर नापाक कोशिशें लगातार जारी है, फायरिंग लगातार की जा रही है।